सफलता मेरी जलते कोई और हैं, मेहनत मेरी थकते कोई और हैं। मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार YouTube चैनल पे। दोस्तों, बॉलीवुड में दो गुट है, एक स्टार किड्स वीएस नेपोटिज्म, एक है जो स्टार किड्स को सपोर्ट कर रहा है, कॉपरेट कर रहा है, और दूसरा जो गुट है वो नेपोटिज्म के अगेंस्ट में है। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ ने एक ऐसा बयान दिया है कि पूरी बॉलीवुड में हड़कंप मची हुई है, और वो बयान है वो ये है कि उन्होंने ये बोला है कि नेपोटिज्म जो होती है और नेपोटिज्म जो है वो हमारे इंडस्ट्री में है, लेकिन कहीं ना कहीं नेपोटिज्म के थ्रू ही हम इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जरूर एक स्टार का बेटा हूँ, लेकिन प्रेशर जो होता है हमें आउटसाइडर और जो बाहर से होते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें अपने पिता की, हमें अपने फैमिली के नाम को बरकरार रखने के लिए उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उससे ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। हमें अपने पिता के इम्प्रेशन को, इज्जत को बनाए रखने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, और हमें प्रूफ करने की ज़रूरत होती है कि मैं अपने पिता जैसा ही एक अच्छा एक्टर हूँ या फिर एक्ट्रेस हूँ। उन्होंने ये बयान दे रखा है। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ की माँ आयशा ने यह भी कहा है कि मेरा बच्चा में बहुत टैलेंट है, वो अपने आप को प्रूफ किया है, उसने मेहनत करके इस इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया है, भले उसको एक्टिंग की ए नहीं आती हो, लेकिन फिर भी वो मेहनत करता है, वो खूब उछल कूद भी करके अपने आप को आगे बढ़ाए, डांस अच्छा कर लेता है, भले एक्टिंग नहीं आती है वो बात अलग है, लेकिन मेहनत करता है। जब किसी पार्टी में टाइगर श्रॉफ से किसी ने पूछा कि सर आपका एक्टिंग के बारे में क्या सोचना है, तो टाइगर श्रॉफ ने बोला कि ये क्या होता है, एक्टिंग क्या होती है, मुझे तो एक्टिंग नहीं आता है, एक्टिंग समझ में नहीं आती है, हाँ मुझे डांस एक्शन ये सब कहो कर लूँगा, बट ये एक्टिंग क्या होता है, हमें तो बस भैया हमें तो पता चला कि मेरे पिताजी एक्टर हैं, मुँह उठा के आ गए हम भी इंडस्ट्री में, लाइन पे लाइन फ्लॉप दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मूवी मिल जाती है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ठरकी चाचा जैसे लोग हैं और मोगी चाची जैसे दिग्गज लोग हैं, जिस कारण से हमें इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम मिलता रहेगा। जब तक ये ठरकी चाचा और मोगी चाची रहेंगी तब तक हमें इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे मैं क्यों ना बैक टू बैक फ्लॉप मूवी भी देता रहूं, फिर भी मेरा काम तो भैया नहीं रुकेगा, मुझे तो मूवी मिलेगी चाहे जो हो जाए। दोस्तों, नेपोटिज्म को लेकर के इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट में बोला, बहुत सारे लोगों ने इसका विरुद्ध किया, लेकिन फिर भी इस इंडस्ट्री में लोगों के अंदर जड़ जमा करके बैठा हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस इंडस्ट्री से नेपोटिज्म को खत्म नहीं करूंगा चाहे जो हो जाए। बहुत सारे लोगों ने विरोध किया और अभी भी हो रही है, लेकिन किसी भी इंसान के मन में ये नहीं है कि इसके विरुद्ध अगेंस्ट आकर के बोलूं और इसको जड़ से खत्म करूं, क्योंकि वहां पे सब कोई एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लास्ट में यही कहूंगा कि सिर्फ नाम होने से इंसान टाइगर नहीं हो जाता है, टाइगर होने के लिए आपके अंदर गट्स होना चाहिए, आपके अंदर वो बात होनी चाहिए जिससे कि लोग आपको फॉलो करें। अगर आप टाइगर हो रियल में, तो उस इंसान के लिए, जस्टिस के लिए आवाज उठाओ जो उस इंडस्ट्री का था, जो उस इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहा था और आपके ही लेवल का था, आपके ही साथ काम करने वाला एक स्टार था, आपने क्यों नहीं सपोर्ट किया, और आज आप भी नहीं करते हो, क्यों आपने क्यों नहीं सुशांत सिंह राजपूत के लिए, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के लिए ट्वीट किया, क्यों आपके वो इस इंडस्ट्री से था, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वीडियो के लास्ट में यही कहूंगा कि नेपोटिज्म है उससे मतलब नहीं, जिसके अंदर टैलेंट है चाहे वो आउटसाइडर है या कहीं का भी, फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप विक्ट्री का झंडा उसी दुनिया में, उसी जगह पे, उसी बॉलीवुड इंडस्ट्री में विक्ट्री का झंडा गाड़ के इस पूरी दुनिया में सफलता की परचम लहरा के सामने आओगे और इस दुनिया को दिखाओगे कि मैं हूं एक रियल हीरो। मैं आशीष राठौर, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई सोच के साथ, नए समय के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, आपका जीवन सफल हो, मंगल हो, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।